सीमा पर बन रही फिल्म के विरोध के बीच सोशल मीडिया में इस वक्त सीमा हैदर की एक तस्वीर जमकर वायरल हो रही है और साथ ही इस तस्वीर में सीमा हैदर हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगा रही है। लेकिन खास बात यह है कि जब सीमा से ये सब कहा गया करने को और खुद अपनी मर्जी से जब वो कर रही थी तो उनके साथ उनके वकील एपी सिंह भी मौजूद थे। माथे पर माता की चुनरी, कंधे पर केसरिया दुपट्टा, हाथ में तिरंगा झंडा और जुबान पर भारत माता की जय के साथ वंदे मातरम का जयघोष। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में सचिन मीणा के घर की हैं, जिसकी छत पर हर घर तिरंगा अभियान के तहत पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने तिरंगा लगाया और वहां से सामने आई सीमा हैदर की तस्वीर अब पूरे देश में सुर्खियां बटोर रही है। सीमा हैदर और सचिन मीणा अपनी छत पर तिरंगा लहराते नजर आ रहे हैं। तिरंगा लहराते हुए सीमा हैदर ने ये संदेश देने की भी कोशिश की कि उन्होंने भारत को अपना लिया है और अब यहीं रहना चाहती हैं। अभी लगाया है? बिल्कुल लगाया है, मैं भारती हूँ और मैं लगाऊंगी हमेशा सारी जिंदगी। जी भाई, आप आगे सर से बात कर रहे हैं। तो आज आप भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलते हैं? बिल्कुल, अब भी बोलूंगी। मोदी जी की जय, योगी जी की जय। तिरंगे के साथ सीमा हैदर की तस्वीर इस वक्त सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वहीं फिल्म साइन करने के दावों पर भी सीमा हैदर ने पूर्ण विराम लगा दिया है। सीमा ने कहा कि उन्होंने किसी भी तरह की फिल्म को साइन नहीं किया, फिल्म को लेकर किए जा रहे सभी दावे झूठे हैं। हालांकि सीमा हैदर पर बन रही फिल्म में भले ही उनका कोई रोल नहीं है, लेकिन इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है जिस पर विवाद भी शुरू हो गया है। और इस वक्त रबूपुरा में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। यहाँ पर सीमा हैदर सचिन के साथ इसी घर में मौजूद हैं और यहाँ पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि तांता लगा हुआ है आने जाने वाले लोगों का, ये सीमा का सचिन का घर है और बड़ी तादाद में यहाँ पर ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो बाहर से मिलने के लिए आए। आप यहाँ पर मिलने के लिए आए सीमा से? हाँ, देख रहे हैं। कहाँ से आए? हम ककोड़ों से आए। ककोड़ों से? अच्छा, क्या सोचकर पहुंचे? कि चलो देख के आए, पाकिस्तान से हमारे देश में आदमी आया है। हाँ। तो हम भी मिले, हम भी संपर्क करें, देखें क्या है सिचुएशन कंडीशन। अच्छा। किस आब हवा से रह रही हैं, खुश हैं या ना खुश हैं, क्या किस कंडीशन में है, उस कंडीशन की हालात को मालूम करने के लिए यहाँ आए। जो ऐसे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर एक बार फिर से पहुँचने शुरू हो गए हैं, लगता है आप भी कुछ सामान लेकर के आए हैं। क्या सीमा से मिलने के लिए पहुँचे हैं यहाँ पर? हाँ, सीमा से मिलने। क्या नाम है आपका? रेणु देवी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? मस्तूरा से। क्या सोच कर पहुँचे हैं? यहाँ आए तो हम भी मिल जाए, हम मिल जाए। अच्छा, देख ले। अब तक टीवी पर देख रहे थे तो मिलकर देख, मिल के देख ले हाल चाल। हमारे हिंदुस्तान में आई है तो पाकिस्तान से, तो हम भी देखें एक बार। तो क्या इच्छा है, क्या मिलकर पूछना, उनसे बात करना चाहते हैं? पूछना चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान में कैसी रह रहे हो भाई, अपने पाकिस्तान से आए हो तो यहाँ ठीक हो या नहीं हो, तो यही इसी वजह से आए हुए, देख जाए या मिल के जाए। बिल्कुल, कुछ लेकर के भी आए हैं आप ऐसा लग रहा है? क्या लेकर आए हैं आप? लेके भी आए। क्या लेकर आए? जब आपस में खीर बना कर लाए उनके लिए। खीर बना करके लाए? तो कुछ लोग हैं जो इस तरीके से खीर भी बना करके लेकर आए हैं सीमा के लिए, उनके बच्चों के लिए। और यहाँ घर में अभी जबकि वो मौजूद हैं, 15 अगस्त को उन्होंने तिरंगा भी फहराया, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है सीमा सचिन से जुड़ी हुई। सीमा हैदर